दोस्तों, क्या आप भी पता करना चाहते हो कि आपके पीठ पीछे आपका फोन कौन इस्तेमाल करता है जब भी आप अपने फोन को चार्जिंग में लगाते हो या आप अपने फोन को टेबल पे या कहीं पे भी रखे हो, आप किसी और काम में बिजी होते हो, आपका फोन कोई भी आता है उठाकर इस्तेमाल करने लगता है और वहीं पे वैसे ही फोन रख देता है और आपको पता नहीं चलता है। आप अगर पता करना चाहते हो कि आपके पीठ पीछे आपका फोन कौन कौन इस्तेमाल करता है, सारी चीजें आप लाइव पता कर सकते हो। क्या क्या एप्लीकेशन को यूज किया है, कितने बजे आपके फोन को टच किया गया था, सारी चीजें आप लाइव देख सकते हो। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना होगा और एंड तक कंटिन्यू देखते रहना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर एक छोटी सी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां से आसान तरीके से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो, कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो यहां पे एप्लीकेशन को जैसे ही आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे, तो यहाँ पे कैमरे का यहाँ पे परमिशन मांगेगा, तो आपको क्या करना है, कैमरे का परमिशन यहाँ से अलाउ कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे उसके बाद आपको और भी परमिशन मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आपको परमिशन देना है। ईमेल आईडी का परमिशन मांगेगा, तो आपको ईमेल आईडी का परमिशन देना होगा। ईमेल आईडी का जो परमिशन है सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ईमेल आईडी का परमिशन आप लोगों को देना होगा। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको टेक मी द ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इतना ही परमिशन देना है, पहला कैमरे का परमिशन आपको देना होगा, दूसरा जो है वो आपको ईमेल आईडी का परमिशन देना होगा। ईमेल आईडी का परमिशन इसलिए देना है ताकि जब भी आपका फोन कोई भी टच करे ना, तो वो आपके ईमेल आईडी पे भेज सके प्रूफ के साथ में कि हाँ ये आपके फोन के अंदर किया गया था, आप पता कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे सबसे पहले डीएक्टिवेट है, तो इसे क्या करना होगा, आपको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए सिंपली यहां से इसे ऑन करना है। अब यहां पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक्टिवेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां पे ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो चुका है, आप यहां पे देख सकते हो। उसके बाद आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां से आपको पहले चेक कर लेना है, यहां पे आप देख सकते हो फेल्ड अनलॉक 3 यहां पे अटेम्प्ट में है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे 1 यहां पे कर देना है। और उसके बाद यहां पे नीचे आता है टेक अ पिक्चर फ्रंट, यहाँ पे आपको रहने देना है, ऐसे ही फ्रंट पे रहने देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे ईमेल आईडी भी चेक कर लेना है, ईमेल आईडी वगैरह अगर सही है तो आपको ऐसे ही रहने देना है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको इसका काम बताता हूँ कि कैसे आप चेक करोगे। अब अगर आपको कोई भी फोन टच करता है ना, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको शो करेगा। वो कैसे करेगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने फोन को लॉक किया और टेबल पे रख दिया, अब मेरा फोन कोई भी इस्तेमाल करेगा, अगर उसे मेरा पासवर्ड नहीं पता है, तो वो फर्स्ट टाइम क्या करेगा, रॉन्ग पासवर्ड को टाइप करेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रॉन्ग पासवर्ड को टाइप कर लेते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, आपके यहाँ पे फोन के अंदर एक यहाँ पे सीन हो चुका है, यानी कि किसके अंदर एक्टिविटी ऑन हुई है, जो कि आपके फोन के फोटो कैप्चर कर लिया है। जिसने भी आपके फोन का यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड डाला है, उसका फोटो कैप्चर कर लिया, लेकिन वो सामने वाले को नहीं पता चलेगा और आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम राइट पासवर्ड डाल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम करते हैं राइट पासवर्ड डालते हैं, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऊपर आओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो आप क्लिक करना है ईमेल आईडी पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपका फोटो है यहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप लाइव लोकेशन भी देखना चाहोगे तो आपको लाइव लोकेशन भी दिखा दिया जाएगा कि कहाँ से भेजा गया है, पूरा का पूरा आप लोगों को लाइव लोकेशन भी यहाँ पे दिखा दिया जाता है। पहले तो यहाँ पे फोटो भेजा गया है, मैंने एक टाइम पे रॉन्ग पासवर्ड डाला और यहाँ पे फोटो भेज दिया गया है। यहाँ पे आप सभी लोगों को लोकेशन देखना है, तो आपको लोकेशन वाली सेटिंग को भी परमिशन देना होगा, तो यहाँ पे लाइव लोकेशन भी भेज दिया जाएगा। और इस एप्लीकेशन की मदद से आप एक और काम कर सकते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपका फोटो क्लिक किया गया था यहाँ पे भेज दिया गया है। अगर आप यहाँ पे लाइव लोकेशन भी चेक करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे परमिशन देना होगा लोकेशन का,
जैसे ही आप परमिशन दे दोगे, तो आप अगर आपका फोन कहीं पे चोरी हो जाता है, अगर कोई रॉन्ग पासवर्ड डालता है, आप दूसरे फोन का अगर ईमेल आईडी दिए हो तो उस पे आपको फोटो भेज दिया जाएगा, जिस पे आपको लाइव लोकेशन भी भेज दिया जाता है कि कहाँ पे फोन है। इस प्रकार से आप अपने फोन को भी ट्रैक कर सकते हो इस एप्लीकेशन के जरिए। ये एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट और काफी हेल्पफुल है। अगर आप इसे अपने फोन में रखते हो तो काफी अलग अलग तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो और काफी काम का एप्लीकेशन भी है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको बस इस्तेमाल करने आना चाहिए। काफी अच्छा एप्लीकेशन है, आप अपने फोन को फ्रॉड होने से भी बचा सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आप अपने एंड्रॉइड फोन में रख सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक करना है। ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।